करीब 30 मई से लेकर अब तक 45 घंटे से ज्यादा का ध्यान प्रधानमंत्री ने जब यहां पर लगाया तो उससे ये बात निकल कर सीधे सामने आई कि कैसे प्रधानमंत्री ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ निर्धारित होकर आगे बढ़ते हैं, अपने विचारों को आगे बढ़ाते हैं, अपने विचारों पर फोकस करते हैं, तो आप आसानी से उस टारगेट को पा लेते हैं जो आपने अपने लाइफ में अपने लिए सेट कर रखा है। और अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से सीधे निकलकर पहले तमिलनाडु के प्रसिद्ध कवि रहे जिनको यहां पर केवल तमिलनाडु के लोग ही नहीं बल्कि आसपास के राज्यों से, चाहे आंध्र प्रदेश हो, केरल हो, दूसरे राज्यों हो, वहां से भी नमन करने के लिए लोग पहुंचते हैं और प्रधानमंत्री उनको भी नमन करेंगे और उसके बाद यहां से रवाना होंगे। 45 घंटों की लंबी साधना, लगातार आपको हम बता रहे हैं, 45 घंटों की लंबी साधना के बाद प्रधानमंत्री यहां से निकलने वाले हैं। आप देखिए किस तरह से जो बोट्स हैं उनकी गश्ती और ज्यादा बढ़ा दी गई है क्योंकि किसी भी वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां से निकलकर सीधे गेस्ट हाउस की तरफ रवाना होंगे और गेस्ट हाउस से बिल्कुल लगा हुआ वो हेलीपैड है जहां से सीधे प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर में सवार होकर तिरुवनंतपुरम जाएंगे और शाम 7:30 बजे तक प्रधानमंत्री का दिल्ली पहुंचने का कार्यक्रम है। उस बीच सभी को अलर्ट पे रखा गया है। आसपास जो लोग हैं या जो लोग अपनी छतों पर या घरों पर मौजूद हैं उनको भी वहां से हटा दिया गया है क्योंकि प्रधानमंत्री का प्रोटोकॉल है और इस प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए लोग भी उसको मानते हुए वहां से हट रहे हैं। तमाम छतों पर तमिलनाडु पुलिस के जो कर्मी हैं वो तैनात हैं। तमाम अधिकारियों ने व्यवस्था को देख रखा है। तमाम अधिकारी व्यवस्थाओं को खुद देख रहे हैं कि कहीं किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। पिछले करीब 2.5 से 3 दिनों में कन्याकुमारी में अलग अलग जगहों पर कुछ यही व्यवस्था भी की गई थी जिससे कि आम लोगों को परेशानी भी ना हो। जब प्रधानमंत्री ने अपनी ध्यान साधना शुरू की थी उसके बाद कुछ देर के लिए लोगों को वहां जाने से रोका गया था। वैसे तो शाम 5 बजे के बाद किसी को भी इस रॉक मेमोरियल पर जाने की परमिशन नहीं होती है, उसके बाद लोग वहां नहीं जा सके थे, लेकिन अगले दिन यानी 31 मई को सुबह से एक बार फिर से वो फेरी शुरू हो गई थी जो लोग रॉक मेमोरियल देखने के लिए दूर दूर से आ रहे थे। ये बताने का मकसद सिर्फ ये है कि जो लोग यहां पर आ रहे हैं मेमोरियल देखने के लिए या फिर इस प्रसिद्ध स्थान को देखने के लिए, त्रिवेणी संगम को देखने के लिए, उन्हें किसी तरह की कोई परेशानी ना हो। प्रधानमंत्री एक निजी कार्यक्रम के तहत यहां आए हैं तो ऐसे में आम लोगों को दिक्कत ना हो जो कन्याकुमारी से, तमिलनाडु से, केरल से या देश के कोने कोने से यहां पर पहुंचते हैं उन्हें कहीं कोई दिक्कत ना हो, इसका भी पूरा ध्यान रखा गया। यही वजह है कि आम लोगों को 31 मई की सुबह से उस जगह पर जाने की परमिशन नहीं थी जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान मुद्रा में थे, लेकिन हाँ वो इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर जा सकते थे, वहां पर जाकर सेल्फी या फोटोग्राफ्स या वीडियोस वहां पर बना सकते थे, लेकिन जहां पर प्रधानमंत्री हैं उस जगह पर किसी को भी जाने की परमिशन नहीं थी। और अमूमन जब आम लोग जाते भी हैं तो वहां पर उन्हें 10 या 15 मिनट से ऊपर रुकने की परमिशन नहीं होती है। और अभी प्रधानमंत्री जब यहां से निकल जाएंगे उसके बाद हम भी वहां पर पहुंचेंगे और हर वो तस्वीर आपको दिखाएंगे जहां पर प्रधानमंत्री ने ध्यान साधना की है, जहां पर प्रधानमंत्री ने परिक्रमा की है, माता पार्वती के पदचिन्ह जहां पर हैं वहां पर परिक्रमा की है, क्योंकि स्वामी विवेकानंद ने भी जब अपने 3 दिनों के ध्यान की शुरुआत की थी तो माता पार्वती को अम्बन मंदिर में और उस पदचिन्ह पर नमन करने के बाद ही की थी। और कहा यह जाता है जिस शिला पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ध्यान लगाया, जिस शिला पर ध्यान लगाकर भारत माता का एक नया विजन स्वामी विवेकानंद को मिला, उसी जगह पर माता पार्वती ने भगवान शिव के लिए लंबी तपस्या की थी, इसीलिए उसे शक्ति शिला भी कहा जाता है। और जब लोग वहां पर पहुंचते हैं, उस शिला पर ध्यान लगाते हैं तो एक अलग शक्ति, एक अलग अनुभूति उनको होती है। यही वजह है कि जब प्रधानमंत्री यहां पर पहुंचे हैं तो ये जगह अब लोगों के बीच और कौतूहल का विषय है। टूरिज्म के लिहाज से भी इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि वैसे तो लोग यहां आते थे लेकिन बहुत कम लोग थे जिनको इसके बारे में बहुत ज़्यादा जानकारी थी। अब पर्यटन के लिहाज से भी इस जगह को और महत्वपूर्ण माना जा रहा है और ज़्यादा लोग यहां पर आएंगे जिससे कि यहां की जो अर्थव्यवस्था है या जो लोग यहां पर अपने बिजनेस करते हैं उनको भी दिक्कत नहीं होगी। फिलहाल ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, प्रधानमंत्री किसी भी वक्त यहां से निकल सकते हैं। 3 से 3:30 बजे का वक्त बताया गया कि प्रधानमंत्री यहां से निकल सकते हैं। 3:11 का वक्त हो रहा है और पूरी तरह से तैयारी हो गई है। एसपीजी के जवान भी आप देख सकते हैं इस वक्त पूरी तरह तैनात हो गए हैं, जहां से प्रधानमंत्री को, जिस डेक से प्रधानमंत्री को निकलना है वहां पर भी, और तमाम जो बोर्ड्स आप देख रहे हैं उस पर भी एसपीजी के जवान, तमिलनाडु पुलिस के जवानों के साथ साथ
नेवी के जवानों को भी तैनात किया गया है। पिछले करीब 2.5-3 दिनों से इसी तरीके से यहाँ पर पूरा सुरक्षा की घेराबंदी कर ली गई थी। ये जो जगह है आप इस वक्त देख सकते हैं, आसमान से भी निगरानी रखी जा रही है, हेलीकॉप्टर भी इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं। इस हेलीकॉप्टर से पिछले 2.5-3 दिनों से ऐसे ही नजर रखी जा रही है, क्योंकि प्रधानमंत्री यहाँ से निकल रहे हैं, निकलने वाले हैं, तो अब आसमान से भी ऊपर नजर रखी जा रही है। यानी जल थल नभ हर जगह से अब नजर रख, सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी भी है, नजर रखी जा रही है। प्रधानमंत्री यहाँ से निकलने वाले हैं। एक तरफ प्रधानमंत्री लंबी साधना की, 45 घंटे की लंबी ध्यान साधना प्रधानमंत्री ने यहां पर की, वहीं दूसरी ओर इस साधना को लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए। हालांकि प्रधानमंत्री या यहां के लोगों को या आम लोगों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, उनका कहना है कि विपक्ष का काम है राजनीति करना, लेकिन जिस तरह से प्रधानमंत्री अपने काम की तरफ फोकस हैं और एक ये कार्यक्रम प्रधानमंत्री का निजी है, तो ऐसे में अगर कोई सवाल खड़े करता है तो उससे हमें कोई मतलब नहीं है। लेकिन आज प्रधानमंत्री ने ये बता दिया है कि अगर आप अपने लक्ष्य की तरफ ध्यान केंद्रित करते हैं, जिंदगी में खुद मजबूत हैं अपने जीवन में और दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ते हैं, तो आप कठिन से कठिन लक्ष्य को भी पा सकते हैं। और देश को मजबूत करना एक ऐसा लक्ष्य है, प्रधानमंत्री कहते हैं, कठिन देश को आगे, देश को विश्व पटल पर और मजबूत बनाना, जो छवि नहीं बन पाई कई सालों में वो थोड़ा कठिन जरूर रहा, लेकिन जनता, देश की जनता का आशीर्वाद, देश की जनता का साथ मुझे हमेशा से मिलता रहा और मैं उस काम को करता रहा हूं, आगे भी करता रहूंगा। और यहां पर ध्यान साधना करने के बाद प्रधानमंत्री ने यह मैसेज पूरी तरीके से दिया है कि अपने लक्ष्य की तरफ आगे बढ़ते हुए आने वाले समय में, यानी जनता जब एक बार फिर से उन पर भरोसा जताएगी, एक बार फिर अपना समर्थन वैसे ही उनको देगी, तो देश को मजबूत करने का जो उनका दृढ़ निश्चय है, जो संकल्प है, वो उससे वैसे ही और आगे बढ़ेंगे, उससे और ज्यादा मजबूत करेंगे। हम लगातार आपको बता रहे हैं कि एक तरफ देश भर में 57 सीटों पर वोटिंग लगातार जारी है, जिसमें वाराणसी की वो सीट भी है जहां से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद प्रत्याशी हैं, लेकिन प्रधानमंत्री ने वहां पर जब पिछले दिन रोड शो किया था, नामांकन करने के लिए पहुंचे थे, उसके बाद प्रधानमंत्री वहां के लोगों से कनेक्ट जरूर रहे, लेकिन उनका यह मानना है कि बहुत ज्यादा चुनाव प्रचार कम से कम वाराणसी में लोगों के बीच जाकर करने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि मैं काशी पुत्र हूं और काशी के लोगों का प्यार मुझे हमेशा से मिलता रहा है। पुलिस की गश्ती भी इस वक्त आप देख रहे हैं और ज्यादा तेज हो चुकी है। बस वक्त वो नजदीक आ रहा है जब प्रधानमंत्री 45 घंटे की लंबी साधना के बाद यहां से निकलेंगे। ये कोई राजनीतिक कार्यक्रम नहीं था, ये पूरी तरह से प्रधानमंत्री का निजी कार्यक्रम है, लेकिन उसके बाद भी लोगों का जुड़ाव, लोग प्रधानमंत्री से कैसे अपने आप को कनेक्ट महसूस करते हैं, ये यहां पर आने वाले लोगों से जब हमने बात की तब हम समझ पाए हैं। थोड़ा सा लैंग्वेज को लेकर बात दिक्कत जरूर हुई, लेकिन तमिलनाडु या केरल के अलावा दूसरी जगह से लोग आए, खासतौर पर गुजरात के लोग बहुत ज्यादा यहां पर आते हैं। जब गुजरात के लोग यहां पर आए, उनसे हम बात कर रहे हैं, तो वो प्रधानमंत्री से कनेक्ट कर पाते हैं क्योंकि प्रधानमंत्री गुजरात से हैं और गुजरात के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। तो ऐसे में लोगों का ये मानना है कि जिस तरह से गुजरात को प्रधानमंत्री ने आगे बढ़ाया है, मजबूत किया है, आर्थिक तौर पर बहुत ज्यादा सक्षम हुआ है गुजरात, उसी तरीके से देश को भी मजबूत करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कदम उठाते रहे हैं और आगे भी उठाते रहेंगे। ये तस्वीर रिपब्लिक भारत पर सबसे पहले आपको हम दिखा रहे हैं, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसी भी वक्त यहां से निकल सकते हैं और निकलने के बाद प्रधानमंत्री यहां से सीधे उस गेस्ट हाउस जाएंगे जिस जहां पर प्रधानमंत्री को करीब 1 घंटे तक विश्राम करना है और उसके बाद प्रधानमंत्री सीधे यहां से दिल्ली के लिए रवाना हो जाएंगे। और दिल्ली के लिए रवाना होने के बाद करीब 7:30 बजे प्रधानमंत्री जब दिल्ली पहुंचेंगे तो वहां पर दूसरे उनके कार्यक्रम जरूर हैं, लेकिन इस बीच यहां यानी कन्याकुमारी से प्रधानमंत्री ने जो संदेश दिया है उसे हर किसी ने आत्मसात भी किया है और इससे इनकार नहीं किया जा सकता है कि जब प्रधानमंत्री यहां से वापस जाएंगे उसके बाद यहां पर पर्यटकों की लंबी लाइन लगने वाली है क्योंकि अभी से ही लोग इंतजार कर रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिन्होंने पहले से बुकिंग करा रखी है कि वो यहां पर पहुंचेंगे और महसूस कर सकेंगे उस शांति को जैसे प्रधानमंत्री ने यहां पर ध्यान लगाया है। अभी आप देख रहे हैं कि मूवमेंट बढ़ चुकी है, प्रधानमंत्री बस यहां पर पहुंचकर किसी भी वक्त गाड़ी में सवार हो सकते हैं, उस गाड़ी में जहां से प्रधानमंत्री को सीधे गेस्ट हाउस जाना है। हम कन्याकुमारी से जो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, सीधी तस्वीर उस जगह से जहां प्रधानमंत्री ने 45 घंटों का लंबा ध्यान लगाया और उसके बाद
और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहां से रवाना होंगे, जब प्रधानमंत्री यहां से रवाना होंगे तो उसके बाद दिल्ली में अभी तक उनको उनका क्या कार्यक्रम है इसको लेकर अभी बहुत ज़्यादा जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि 4 जून को नतीजे आने हैं और उन नतीजों पर पूरे देश भर की नज़र है। आज आखिरी फेज की वोटिंग हो रही है। 30